नमस्कार, आज हम हृदय रेखा में बनने वाले शुभ चिन्हों के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो एक कॉमन सा चिन्ह बनता हुआ आपको मिलता है वो है ट्रायंगल का चिन्ह, जिसको हम त्रिभुज का चिन्ह बोलते हैं। तो ये त्रिभुज के एक विशेष रूप से मैंने बताता हूँ जो कॉमन मायने हैं। हाँ, इससे आप ज़रूर जान सकते हैं कि आपका स्वयं खुद का मकान ज़रूर होगा, ये इस चीज़ की गारंटी है। ठीक है, अगर ये बुध, सूर्य या गुरु पर्वत के नीचे में आपको ये बनता हुआ मिलता है, ठीक है, शनि पे होता है, शनि के नीचे में अगर ये बनता हुआ आपको देखने को मिलेगा, मैं इसको बढ़िया से बना के बताता हूँ फिर से आपको। देखिए, एक कॉमन बात जो है जो सारे पर्वतों के नीचे के लिए आएगी वो ये है कि इतना देख के आप ये ज़रूर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति का अपना खुद का मकान ज़रूर होगा, इस पर कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। ठीक है, ये इवन मल्टीपल हाउस के योग को भी बताता है। ऐसे लोगों का एक से अधिक मकान का योग बनता है अगर ये स्पेशली आपको शनि के नीचे मिल जाए। ठीक है, ये मल्टीपल हाउस को रिप्रेजेंट करेगा अगर शनि के नीचे है तो। लेकिन इसमें एक विशेष स्थिति ये भी आती है, ये केवल इतना ही नहीं बताएगा, आपके हाउस को ही नहीं बताएगा, ये आपके अंदर में उस पर्वत से रिलेटेड गुण को भी भर देगा। जैसे मान लीजिए अभी ये यहाँ ट्रायंगल बना आपको बुध के नीचे में, तो आपको हाउस के तो योग बन गए, ठीक है, आपका एक घर होगा, आप अपने दम पे घर बनाएंगे, ओके। लेकिन क्या इसके इस ट्रायंगल का बुध के नीचे में भी वही फल आएगा? नहीं। अब इसमें आपको फल ये भी हो सकता है कि आपके व्यवहार में जो आपका स्वभाव है उसमें आपको व्यापारिक गुण अच्छे होंगे, वाक शक्ति आपकी प्रभावशाली होगी, ऐसा कुछ ना कुछ जिस पर्वत में बनेगा उस पर्वत से रिलेटेड उसके अंदर में गुण आ जाएगा, ऐसा भी आपको देखना है। ऐसा इंसान चुलबुला होगा, ऐसे इंसान को एक बचपना होगा, उम्र से कम एज में ये दिखता होगा, मान लो 40 का है फिर भी वो आपको 30 का ही लगेगा, ऐसी इसकी पर्सनालिटी हो जाएगी, ऐसे इसके गुण बन जाते हैं, ऐसा उसका समावेश इसमें देखा जाता है। अगर यही पर्वत आपको सूर्य के नीचे मिलेगा तो ऐसे लोग बड़े ही ओजस्वी आपको मिलेंगे, बड़े ही एक राजस्व गुण लेके चलते हैं, तेज़ी से काम करना ऐसे लोगों को पसंद आता है, ऐसे लोग एक प्रभावशाली व्यक्तित्व तो आपको देखने को मिलेगा, ज़बरदस्त इन लोग का पकड़ होता है अपने एरिया में, एक धाक चलती है ऐसे लोगों की। ठीक है, अगर ये शनि के नीचे है तो मैंने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर लिया। गुरु के नीचे है तो बहुत सौम्य किस्म के होंगे, बड़े शिक्षित होंगे, एक अच्छी एजुकेशन ऐसे लोगों की होगी, ऐसे लोग समाजवादी विचारधारा इनके अंदर में आएगी, यानी कि परोपकार का गुण होगा, करुणा दया ये जो चीज़ें हैं उभर के ऐसे लोगों के साथ में ज़्यादा आएंगी, अपने साथ साथ दूसरों की भलाई के लिए काम करना ये जो गुण है ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ट्रायंगल से रिलेटेड बात हो गई, लेकिन एक कॉमन जो पॉइंट है, अगर हम एक बात की नज़र पर बात करें तो ये ज़रूर है कि आपका खुद का घर ज़रूर होगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो आप उसके घर का निर्माण कर लेंगे, ऐसे आपको देखना है। ठीक है, अगर आप चतुर्भुज की बात करते हैं, बहुत लोगों ने कहा है कि चतुर्भुज एक सुरक्षा का कवच होता है, बेशक सुरक्षा का कवच है, इसमें कोई प्रकार का डाउट नहीं है, ये आपको सुरक्षा प्रदान करता है। कब सुरक्षा प्रदान करता है? जब आपकी रेखा टूटी हो या रेखा पे कोई दोष बन रहे हो उसको अगर एक घेरता है, जैसे सपोज़ यहाँ पे रेखा टूटी नहीं है, तिल है, आप उसको तिल को इसने घेर दिया, तो आपको इस जो प्रॉब्लम आने वाली थी उस प्रॉब्लम से आप अब बच जाएंगे, उसमें आपको संजीवनी का काम करा दिया, ऐसे आपको देखना है। लेकिन मान लीजिए ये चतुर्भुज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, रेखा बहुत अच्छी चल रही है, उसके बाद भी ये चतुर्भुज बना हुआ है, इसका क्या मतलब है? ऐसे समय में इंसान को ये क्या रोल अदा करेगा, ये क्या फल देगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट फल है। अक्सर हमने चतुर्भुज को अच्छे रूप में देखा है, लेकिन हृदय रेखा एक ऐसी रेखा है जहाँ पर चतुर्भुज के दोनों मायने देखे जाते हैं, ये बहुत कम लोगों से आपको सुनने को मिलेगा, ये बहुत अद्भुत शब्द मैं बोल रहा हूँ, एक अद्भुत ज्ञान है, इसको रखिए ज़रूर अपने पास में अगर आप जानते हैं, और आजमा के देखिए। ये मान लीजिए कि अगर आपकी हृदय रेखा पे इंडिंग पे, शनि के नीचे मान लो इंड हो रहा है, वहाँ पे इंडिंग पे आपको चतुर्भुज बनता हुआ दिख गया, ठीक है, तो ये इंडिकेशन ये है, अगर ये रेखा में कोई ब्रांच नहीं है, रेखा एकदम साफ सुथरी सीधी चल रही है और वहाँ पे चतुर्भुज बन रहा है, तो आप समझ लेना कि आप निसंतान हो जाएंगे, आपको संतान का सुख नहीं मिलेगा, बहुत ख़राब योग बनता है ये। ठीक है, तो ये निसंतानता को भी दिखाती है, ऐसे लोगों का संतान नहीं होता, या फिर कोई भी कारण हो सकता है, पहला संतान हुआ, पहला संतान में तकलीफ हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया उसका, उसके बाद दूसरे संतान की आप प्लानिंग कर रहे हैं और हो नहीं रहा है, तो इसलिए भी नहीं हो रहा है, ये भी एक ख़राब योग बनाता है यहाँ पर। ठीक है,
तो ये कुछ दुर्योग थे। और उसके बाद में हम बात करते हैं कि विष्णु चिन्ह का, ये बहुत लोगों का मानना है, सवाल है। ये हृदय रेखा में जब भी मैं इसके बारे में ऑलरेडी एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया था सेपरेटली, इसको पूरी तरीके से समझाया मैंने, ज़रूरत होगा आप उसको भी देख लीजिएगा। यहाँ पे आप एक लाइन पे मैं बोलते हुए निकलूँ कि विष्णु चिन्ह जब भी आप ये बनता हुआ दिखेगा आपको, जो दुशाखित होता हुआ दिखेगा गुरु पर्वत पर, तो ऐसे लोग जो है ऐसे लोग बड़े उच्च विचारधारा के लोग होते हैं, सीधे तरीके से धन कमाते हैं, इनको टेढ़े तरीके से धन कमाना अच्छा नहीं लगता है, इनके अंदर में स्वभावतः ही बहुत शालीन किस्म के लोग, ऐसे लोग आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, ऐसे लोगों को अगर दो नंबर ही पैसा कमाएं तो ये फिर बहुत पतन की ओर चले जाते हैं, ये भी ऐसा देखा जाता है। ठीक है, अब आता है हृदय रेखा में त्रिभुज का बनना। हृदय रेखा में जब त्रिभुज बन जाए, सॉरी त्रिशूल बन जाए, तो ये अच्छी स्थिति है और नहीं भी। लेकिन इसकी जो कॉमन बात है वो हम बात करेंगे। हर पर्वत पे इसका अलग अलग असर बनता है, अलग अलग रोल है, अलग अलग इसका फल बन जाता है। देखिए, इसको वन बाय वन पहले बात करते हैं। ठीक है, जो कॉमन बात है उस पर मैं पहले बात करता हूँ, फिर मैं पर्वतों पर बताऊँगा आपको। कॉमन बात यह है कि अगर ऐसा त्रिशूल बन रहा है आपको, तो आप जो है ऐसे लोग समाज सेवा या जन सेवा के तरफ में इनका काम होता है। जैसे कि कोई एनजीओ चलाए, कोई ऐसा कुछ भी करे जिससे कि समाज का भला हो रहा होगा। ठीक है, ऐसा काम करने वाला, जैसे बाबा रामदेव भी हैं, हैं तो वो भी एक ट्रस्ट चला रहे हैं, सेवा का काम कर रहे हैं, भले वो बिजनेस का पर्पस है। तो ऐसा जो योग बनेगा आपको, ये बनेगा ऐसे लोग समाज सेवा की तरफ में ध्यान देते हैं, ये आपको कॉमन बात है। अब ये जो है, मान लीजिए शनि के नीचे में त्रिभुज बन रहा है, तब क्या इसका असर होगा? तब आपको ये होगा, ये समाज सेवा तो करेगा लेकिन बिजनेस पर्पस से करेगा। ठीक है, अपनी कमाई भी करेगा, अपने नाम भी खोजेगा, अपना स्वार्थ भी खोजेगा ऐसा। लेकिन अगर यही त्रिभुज आपको, ये आपको त्रिशूल आपको यहाँ पे मिलेगा आपको, तो इसका मतलब ये हुआ ये निस्वार्थ भाव से करेगा, दूसरों की मदद करने के लिए करेगा, इसका जनसेवा में एकदम दिल से ये करेगा, ये स्वार्थपूर्ण होकर करेगा, बस अंतर इतना ही है। लेकिन एक बात और विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान देना है, जो अशुभ चिन्ह के बारे में आज बता रहा हूँ तो मैं भी इसको भी बता दूँ। त्रिशूल से बात आ गई है तो मान लीजिए आपकी हृदय रेखा है, ठीक है, और ये बहुत लोगों के हाथ में एक पतली सी रेखा और पैरेलल चलते हुए दिखती है, ठीक है, जिसको हम लोग पूरक रेखा बोलते हैं, इमोशनल रेखा भी कहलाती है। अगर ये आपको ऐसा देखने को मिले कि ये एक पतली सी रेखा है, ठीक है, जो शनि तक है, और ये त्रिशूल बना के देख रही है गुरु को, तो ये बहुत ख़राब हो गया। फिर आपकी ये रेखा कितनों अच्छी है हृदय रेखा, लेकिन अब इसने ऐसा विष घोला कि पूरा ख़राब कर देगा। कभी भी शनि के पर्वत पे त्रिशूल बने और उसका मुख गुरु के तरफ हो, ध्यान दीजिएगा, कभी भी शनि पे त्रिशूल बने और उसका मुख गुरु के तरफ हो, ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। लेकिन हाँ, धन के मामले में बहुत अच्छा करते हैं ऐसे लोग, लेकिन दाम्पत्य खराब होता है ऐसे लोगों का, बहुत बुरा दाम्पत्य मैंने देखा है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये था कुछ चिन्ह के बारे में जानकारी। और इसके अलावा भी, और अगर आपको कुछ चिन्ह की जानकारी चाहिए, हो सकता है दिमाग में अभी जो चीज़ मेरे साइड से चूक रहा होगा, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं उस चिन्ह पे भी अवश्य चर्चा करूँगा। ठीक है, मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।